हे गाइस व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। होपी ऑल फाइन। मैं हमेशा तुझी आप देख सकते हो गेमर। चलिए दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो है ये बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता लग गया होगा, फिर भी आप लोगों को मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि आप लोगों को पता होगा कि 1.8 अपडेट आने के बाद आप लोगों का जो मैच मेकिंग का जो प्रॉब्लम है वो फाइनली स्टार्ट हो चुका है। प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा, ये आपका न्यू सिस्टम डाला गया है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल और पबजी मोबाइल के अंदर, कि आप लोग अगर एक टायर में हो तो आपका अगर फ्रेंड मतलब थोड़ा नीचे है तो फिर आप लोग उनके साथ नहीं खेल पाओगे। तो एज अ रिजल्ट मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप कौन से टायर पर होंगे तो आप कौन से टायर वाले प्लेयर्स के साथ खेल सकते हो, क्योंकि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया था लेकिन उसके ऊपर फिर से चेंज हो चुका है। तो एज अ रिजल्ट बहुत सारे लोग फिर भी नहीं खेल पा रहे। तो अभी मतलब नॉर्मली जो अभी चल रहा है जिस टायर पे आपको कौन से टायर के फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो उसको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों वीडियो की तरफ जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन कर देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। और हम लोग 50K सब्सक्राइबर्स के बहुत ही पास आ चुके हैं, तो प्लीज़ अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो योर रैंक है और यहाँ पर देख सकते हो मिनिमम रैंक और यहाँ पर देख सकते हो मैक्सिमम रैंक। ठीक है, अब यहाँ पर योर रैंक मतलब आप कौन से रैंक पर हो ये आप देख पाओगे, एंड मिनिमम रैंक मतलब आपके रैंक के हिसाब से मिनिमम कौन से रैंक तक आप खेल सकते हो एंड मैक्सिमम कौन से रैंक तक खेल सकते हो। ठीक है, तो अगर आप ब्रॉन्ज रैंक पर हो तो आप मिनिमम रैंक खेल सकते हो ब्रॉन्ज वाले प्लेयर्स के साथ, खेल सकते हो सिल्वर गोल्ड और प्लैटिनम वाले फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, और इसके बाद अगर आप सिल्वर रैंक पर हो तो आप लोग वैसे ही सेम खेल सकते हो ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड और प्लैटिनम फ्रेंड्स के साथ। अगर आप गोल्ड रैंक पर हो तो फिर आप उसी तरीके से ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड एंड प्लैटिनम फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो। अगर आप प्लैटिनम पर हो तो फिर आप ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम एंड डायमंड वाले प्लेयर्स के साथ या फिर बोल सकते हो फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो। तो अगर आप डायमंड पर हो तो फिर आपके फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो अगर उसका जो प्लैटिनम टायर है, प्लैटिनम के नीचे अगर आपका फ्रेंड का टायर होगा तो फिर आप लोग उन फ्रेंड्स के साथ मतलब प्लैटिनम के नीचे वाले फ्रेंड्स के साथ नहीं खेल पाओगे। एंड आप मैक्सिमम ऊपर वाले प्लेयर्स के साथ खेल सकते हो क्राउन वाले प्लेयर्स के साथ। ठीक है, और अगर आप क्राउन पर हो तो फिर आप लोग डायमंड प्लेयर्स के साथ खेल सकते हो, प्लैटिनम फ्रेंड्स के साथ नहीं खेल पाओगे एंड एस क्राउन वाले प्लेयर एस वाले प्लेयर्स के साथ भी खेल पाएंगे। ठीक है, और कॉन्करर वाले प्लेयर्स के साथ भी खेल पाएंगे। एंड फाइनली अगर आप एस एंड एस से ऊपर हो तो फिर आप सिर्फ क्राउन वाले प्लेयर्स के साथ ही खेल पाओगे या फिर कॉन्करर वाले प्लेयर्स के साथ ही खेल पाओगे, लेकिन उससे नीचे आप नहीं खेल पाओगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि आप लोगों को ये जो रैंक वाला सिस्टम है वो ये फर्स्ट टाइम आया है, तो एज अ रिजल्ट बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रहा है। इसी वाले फीचर के लिए बहुत सारे हैकर्स वगैरह जो है वो गेम के अंदर कम हो चुका है। तो एक साइड से अगर देखें तो ये फीचर घटिया या फिर एक साइड से अगर देखें तो ये वाला फीचर बहुत ही ओपी वाला फीचर हैकर्स को कम करने के लिए। तो ये वाला फीचर पर्सनली आप लोगों को कितना अच्छा लगा जरूर कमेंट में बताना। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू एंड पीस आउट।